अस्सलाम वालेकुम। अज मां तासा रेसिपी शेयर कयां थी अरबी गोश्त जी। हिते जो है बिन मीडियम साइज बसरन जो मां दाग करो जो तकरीबन थी वो अरबी गोश्त की आज रेसिपी में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे दो मीडियम साइज प्याज मैंने ब्राउन कर ली हैं और इस तरफ मैंने गोश्त को हल्की आंच पे रखा था बॉईल करने के लिए। ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो मटन है और इसको मैं बॉईल इसलिए करती हूँ कि ये मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाता है। तो जब तक मेरी प्याज ब्राउन हो रही थी मैंने इसको उबालने के लिए रख दिया था। ठीक है, सो ही जिस टाइम मुझे बसर ब्राउन किया थे दाग पियो थे इस टाइम मैंने बॉईल करने के लिए रखी छो। तो हाँ सभी का पैर अस इन बसर से गड इन गोश्त के भुजासी। ठीक है, सो इनके अस फुल बाह से रखी बसर से गड भुजूँ था। इन गड अस विदे तकरीबन एकड़ो टेबल स्पून अदरक थूम पीछल पिसा हुआ अदरक लहसुन इसमें एक टेबल स्पून डाल रहे हैं। ठीक है, सो ही भुजन रो ये अदरक थूम फ्रीज थे थोड़ी देर में या गरी वी उनके अलावा असके खपन शूँ हि मूट जरूरत के हिसाब से अरबी जिनके मुँह धोई रखो इनके टाइम इंदो विझण जो तो छिले वस टमाटर आन हि बस उनका सवा सुकल पीठल मसालन में लूण ए मिर्च में एक एक टी स्पून खाया थोड़ो लूण जो गोश्त में भी बॉईल कर मेल विधो हो धाणा एकड़ो टी स्पून पीठल थोड़ी बिल्कुल चपटी हेड जी हल्दी है जरा सी नमक मिर्च मैंने एक एक टी स्पून लिया है हसबे जायका आप ले सकते हैं। एक टी स्पून धनिया पिसा हुआ और गोश्त को बॉईल करते हुए मैंने उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था। गरम मसालों में एक छोटे साइज की इलायची है बड़ी दो छोटी इलायचियाँ थोड़े से लौंग थोड़ी सी काली मिर्च और कुछ टुकड़े दालचीनी के ये दालचीनी जो बटे टुकड़ियों हैं कुछ लौंग हैं ब नंढा फुटा हैं वो फुटो भी नंढी साइज जो है कारा मिर्च हैं कुछ ये शूँ इनमें वेंदू अना बो जो अदे इनमें कुछ शामिल करो तो जी जो टाइम इंदो वो तेयर कदस। ठीक है, तो इनमें असं चंगी तरह से भुजासी तो जी गोश्त की जगह कचाइप वह खत्म थे अदरक थूम जो इनमें जायको चंगी तरह से अची वे। ये रेसिपी यकीनन तक वणंदी मुझे उम्मीद है ज़रूर मुख्य मोट दिजो बुधाजो तो तक कि लगो आ इनके भुजने के दौरान पानी जो छंडो दे जरूरी है। ठीक है, पानी का छींटा देना ज़रूरी है तो सादा पानी डालने के बजाय मैं इसमें ये यखनी इसमें यूज करूँगी ताकि वो भी इस्तेमाल हो जाए। हाँ जो यखनी मैं इनमें विधी उन सुकी वह खुश्क वह हाँ अस विदी इनमें हि सब मसाला साबित मसाले और पिसे हुए मसाले हम सब इसमें डाल देंगे और एक मिनट और इसको भून लेंगे ताकि मसाले भी अच्छी तरह से भुन जाए। छंडो देने के लिए असा इनमें वरी जो है यखनी विझंदी इसमें थोड़ी सी यखनी फिर से डाल देते बाद में जो बचेगी उसको हम छान के इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसके जो है नीचे बारीक बारीक हड्डियाँ हो सकती हैं। मेरा गोश्त को उबालने के दो मकसद होते हैं, एक तो मेरा टाइम बचता है, दूसरे के अगर उसमें बारीक हड्डियाँ हों तो वो निकल जाती हैं यखनी में अलग हो जाती हैं और फिर बाद में जब हम उनको छान के इस्तेमाल करते हैं तो हमें मसला नहीं होता खाने में। सो एक तो हड्डियों वो सनी सनी अलग थी वेंदी उबारण में बो तो जो टाइम बचा गोश्त थोड़ो जल्दी गरी वो। ठीक है, सो हाँ अस इन विझासी टमाटर इसमें टमाटर भी डाल देते और ये जो यखनी हमारे पास वो भी छान के इसमें डालेंगे हम और फिर हल्की आंच पे इसको छोड़ देंगे। गोश्त के गारण के लिए एकड़ो ही जो है तरीको है तो एकड़ो तो इनके जो हल्की बाह से रखज थोड़े पानी में पचाज कम पानी में पकाना और बहुत हल्की आंच पे गलाना इससे गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाता है। लेकिन अगर आप बहुत सारा पानी डाल के तेज़ आंच पे छोड़ दें तो उसका जायका निकल जाएगा। सो यह यखनी हाँ मैं इनमें छाने विझंदम तो उनका जो अस इनके ढक दई पचण ला रखासी। यखनी छाने मैं इनमें विझी चुकी आया
दो मिनट में इसकी आग जो है तेज़ रखती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से बॉयल होने लगे, फिर मैं इसको ढक्कन लगा के हल्की आंच पे पकाऊंगी। ठीक है, यखनी मां छाणी चुकी आया, जो भी उनमें कचरो हुए या सनियों हरी हुई उ अलग थी वही मैंने। सो हाँ ही जो बॉयल थी ती मैं इनके ढक दई इनके हल्की बाह से पचाइंदस। हल्की बाह से गोश्त तकरीबन गरी वा, यखनी हुई पानी वो भी सुकी वा। जैसे एतरे टाइम में तट गोश्त न गरे तो बो पानी विझी वरी हल्की बाह से छदी दियो, तेज बाह घो पानी बिल्कुल भी न विझी। सो इनके हाँ मैं भुजंदस थोड़ी बाह में इनकी बदायाँ थी। तो इनमें अस विझंदे दही, टे टेबल स्पून दही है, तीन टेबल स्पून दही है, इसको डालकर हम इसको भून लेंगे। एकड़ी या टिप दिया मां तहांखे त जेके भी ये लिव वाली शयूं हैं ना, जे अरबी हैं या भिंडियूं हैं, त उनन में जेकडे तहां खटी शय विझंदो जे गदामड़ी दही त उनन दी लिव जका घट थी वेंदी। तो जितनी भी ये लेसदार चीज़ें होती हैं, अरबी है जैसे भिंडी है, उसमें कोई भी खटी चीज़ डाले दही या इमली तो लेस जो है उसमें वो कम होगा सालन में। सो हाँ असा इनके चंगी तरह से भुजंदे, अरबी छिले रखी हुई अस भुजंदे न जी अस पटाटा विझंदा या बी का सब्जी विझंदा तो अस आखिर में गोश्त अस भुजंदा। तो अरबी को हम इसके साथ भुनेंगे नहीं, वरना ये इसमें सारा लेस आ जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे पानी, पानी एतरो विझंदे जो असि रस भी ठही वे अस अरबी भी उनमें गरी वन, गोश्त तकरीबन गरियल बाकी जो थोड़ो घड़ो रहल हों वो इन से गरी वो। अच्छा, अरबी हम तब डालेंगे जब ये पानी बॉयल हो रहा होगा, जदें पानी उभर तो अस इनमें अरबी विझंदे। पानी बॉयल तो थे इनमें अस विझूँ तो अरबी। ठीक है, तो उनके अस हल्की बाह से छींदे, पहले तो आग मैंने तेज़ कर दी क्योंकि जब इसको अच्छी तरह से उबालना था, अभी उबल रहा है, इसको ढक्कन लगाकर हल्की आँच पर हम इसको छोड़ देंगे। बाहि मैं इन घट कर छिया इनके तेस तीन पचाईंदे जेस तीन इन जो अरबियों गरी वन। शोरबा आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं, तब तक इसको पकाएंगे जब तक अरबी अच्छी तरह से गल जाए। अस हाँ चेक क्यों था तो अरबियों केतर गरी। अच्छा, अरबियों के गरण जो टाइम आ ना वो उनकी क्वालिटी से डिपेंड तो करे, अगर नरम ए कचड़ियों अरबियों तो वह जल्दी गरी वेंदियों, अगर सख्त पक्यूँ तो ज़ाहिर टाइम वठंदियों। सो ये तकरीबन अध मुनियों गरी वही हुई। हाँ अस इन में विझंदे सावा मिर्च। ठीक है, दो बड़ी हरी मिर्चे मैं इसमें डाल रही हूँ, और अरबी के गलने का टाइम उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। ताज़ा और नरम अरबी जल्दी गलेगी, बासी और पक्की अरबियाँ देर से गलेंगी। अब इसको हम 10 मिनट फिर दम पे छोड़ देंगे। हाँ बोर्ड असो तो तैयार थी वो, ढी मज़े की खुशबू थी अचे, यहाँ तदें ही जो इंजॉय कद जैसे ये पचाए ऐसा, मुझी प्लेट रेडी है, बाहि बंद था क्यों अस बोड़ के इनमें प्लेट में कढ़ूँ था। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शोरबा आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, बहुत पतला या गाढ़ा जैसा रखना चाहें। ठीक है, सो तीन मर्जी से इनमें रस रखी सको था, घाटी खपे तहे या छिडरी खपे, हकीकत में बई इनमें मज़ो कदी पसंद की गाल, पर छिडरी ए घाटी बिन्हीं तरह की रस अगर अस इनमें रखूँ पानी मर्जी के ज़रूरत के हिसाब से तो वो ढो इनमें मज़ो दीदी। सो ही मुझे मज़ेदार अरबी गोश्त तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, कुछ कहना है तो कमेंट करें, चैनल मेरा सब्सक्राइब करें। ज़िंदगी रही तो इस तरह का और बहुत कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, सो हमेशा मैं चवंदी आया प्यार से खाधो पचायो, पानी बोली से प्यार कयो, पानी टाइम जो सही इस्तेमाल कयो। सो इनकी मुख्य वीडियो की तुम मोट जरूर डिजो, अड़े किस्म के बोड़ में थोड़ी घनी रस होजन जरूरी आ, छो तो अगर इन तरह जो बोड़ तुम सफा घाटो ए थिक ठाइंदो तो ही भुगल टाइप जो सुठो न लगंदो। सो हमेशा प्यार से खाधो पचाइंदा कयो, अल्लाह तक खुश रखे, पानी बोली से प्यार कयो, पानी टाइम जो सही इस्तेमाल कयो। इंशाल्लाह वरी कें भी कम की वीडियो से मिलंदे, तेस तई अल्लाह वही।